हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सभी वीडियो में। ये देखिए नोटिस आया है, 9 जुलाई को ये जो है नोटिस आया है आयोग की वेबसाइट पर, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर। आप सभी के लिए जो है आप इसमें सूचना है, इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है आयोग के विज्ञापन संख्या 20/7/2015, मतलब ये जो वैकेंसी है 2015 की वैकेंसी है, के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के दो पदों, जनरल का मतलब एक पद है और अनुसूचित जाति का मतलब एक पद है, के सापेक्ष शॉर्टलिस्टिंग की कार्रवाई के उपरांत श्रेणीवार विवरण सहित साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए 6 अर्य या औपबंधिक रूप से अर्य अभ्यर्थियों की सूची निम्नवत है, मतलब ये सूची दी गई है, दिए गए हैं, मतलब 6 विद्यार्थी, इनकी जो है सॉलिस्टिंग की कार्रवाई जो है पूर्ण हो गई थी। सॉलिस्टिंग की कार्रवाई के बाद जो है चिन्हित किए गए मतलब साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए 6 अभ्यर्थियों की सूची जो है दी गई है, इसमें पंजीकरण संख्या दी गई है, इसमें 6 लोगों की, ये लिखा हुआ है पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इनका जो है साक्षात्कार होना है, मतलब इंटरव्यू होना है, इसमें लिखा हुआ है साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए उक्त 6 अर्य औपबंधिक रूप से अर्य अभ्यर्थियों का प्रसंगत पद हेतु साक्षात्कार निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल विभूतिकरण कौमदीना लखनऊ में आयोजित किया जाना निर्धारित है। तो ये एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर जो है आप सभी का जो है इंटरव्यू होना है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन संख्या दिए हुए हैं इनका मतलब इंटरव्यू होना है। ये देखिए पूरा डिटेल दी हुई है इसमें, आपका जो इंटरव्यू होना है 27 जुलाई को होना है, मतलब इंटरव्यू। और इसमें पाली दी हुई है, मतलब पाली जो है पाली फर्स्ट जो है 10 बजे से है सुबह। अभ्यर्थियों की संख्या जो है टोटल 6 है, पाली दो जो है 1:30 बजे है पाली दो। अभ्यर्थियों की संख्या जो है प्रत्यावेदन के आधार पर अर्य अभ्यर्थी, तो टोटल जो है 6 अभ्यर्थी हैं और प्रत्यावेदन करेंगे, मतलब जो अभ्यर्थी उन्हें ही मतलब शामिल किया जाएगा। और इसमें आगे दिया हुआ है तदुक्रम में प्रसंगत पद के लिए साक्षात्कार हेतु अर्य पाए गए समस्त अभ्यर्थियों की ऑनलाइन सूची एवं साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पूर्व उन्हें अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन साक्षात्कार शुल्क जमा करना होगा, मतलब सामान्य वर्ण पिछड़ा वर्ग हेतु 60 रुपये जमा करना होगा और SC/ST वालों को जो है 20 रुपये जमा करना होगा। और इसमें लिखा हुआ है दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोई साक्षात्कार शुल्क देना ही होगा। और इसमें लिखा हुआ है साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध डाउनलोड इंटरव्यू लेटर्स डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को क्लिक कर 5 प्रविष्टियाँ अंकित करते हुए निर्धारित साक्षात्कार शुल्क जमा करने के उपरांत अपना साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप सभी लोग जो है अपना साक्षात्कार पत्र जो है डाउनलोड कर लीजिए, शुल्क जमा करके जो है अपना साक्षात्कार पत्र जो है डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग। और आगे लिखा हुआ है साक्षात्कार हेतु अर्य पाएगा समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक अभिलेखों आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रेषित किए गए प्रमाण पत्रों या अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों या अभिलेखों से मिलान माध्यमता से परीक्षण किया जाएगा आप सभी का, अथा साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी प्रसंगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्यता अधिमानी अर्हता व अनुभव संबंधी समस्त अभिलेखों के सापेक्ष अंकपत्र व प्रमाणपत्र आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाणपत्र की मूल प्रतियों पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटोग्राफ के साथ ही डाउनलोड किए गए साक्षात्कार पत्र के साथ निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो आप सभी लोग जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट ले जाएँ और 2 रंगीन फोटोग्राफ ले जाएँ और सभी जो हैं अपने मूल डॉक्यूमेंट ले आएँ और उनकी छाया प्रति भी ले जाएँ संघ में। और आगे लिखा हुआ है अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे साक्षात्कार हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड इत्यादि की मूल प्रति व छाया प्रति अवश्य लेकर उपस्थित हों। तो आप सभी लोग जो है आधार कार्ड की प्रति भी ले जाएँ, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाएँ आधार कार्ड की।
और इसमें आगे लिखा हुआ है उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्रसंगत पद हेतु आवेदन करने वाले व विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता या अधिमान्य अर्हता धारित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षरता सूची में शामिल नहीं है, मतलब जिनका साक्षरता सूची में मतलब नाम नहीं है, मतलब इस लिस्ट में जो नाम नहीं है जो ऊपर लिस्ट दी हुई है, जिनका मतलब इस लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो वो अभ्यर्थी क्या करें। इसमें लिखा हुआ है मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षरता सूची में शामिल नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी को मतलब क्या करना होगा, आपको यह भी सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20 जुलाई 2024 की शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन पंचम तल स्थित केंद्रीय प्राप्ति व प्रेषण अनुभाग में अपना प्रत्यावेदन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता अधिमानी अर्हता व अनुभवी संबंधी समस्त अभिलेखों तथा आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र इत्यादि की छाया प्रति सहित उपलब्ध करा सकते हैं। तो आप सभी लोग जो है प्रत्यावेदन कर सकते हैं आप लोग 20 जुलाई को शाम 5 बजे तक। आप सभी लोग जो है सभी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, मतलब 20 जुलाई 2024 की शाम 5 बजे तक आप सभी लोग यहाँ मतलब इस दिए गए एड्रेस पर जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट जो हैं अपना जो है प्रत्यावेदन कर सकते हैं, आप सभी लोग उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है उपलब्ध करा सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है उक्त अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब इस स्थिति के बाद मतलब प्रत्यावेदन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है प्रत्यावेदन के परीक्षण उपरांत अर् पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार जो है आयोग के अनुमोदन उपरांत, तो देखो यहाँ दिया हुआ था पाली 2:31 बजे से होगी आप सभी की पाली। इसमें लिखी हुई थी प्रत्यावेदन के आधार पर अर् अभ्यर्थी, मतलब जिन्होंने मतलब प्रत्यावेदन मतलब जो अभ्यर्थी प्रत्यावेदन करेंगे तो उनका जो है इंटरव्यू होगा द्वितीय पाली में 27 जुलाई को। तो आप सभी लोग जो है प्रत्यावेदन कर दीजिए, आप लोग जो है प्रत्यावेदन कर दीजिए, मतलब 20 जुलाई 2024 की शाम 5 बजे तक प्रत्यावेदन कर दीजिए आप सभी लोग। तो इनका जो है द्वितीय पाली में आयोजित किया जाएगा तथा उसके उपरांत कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है जल्द से जल्द जो है आप सभी लोग प्रत्यावेदन कर दीजिए, मतलब जिनका जो है साक्षरता सूची में शामिल नहीं है, मतलब जो लोग तो वो लोग जो है 20 जुलाई तक जो है अपने प्रत्यावेदन कर दीजिए जिनका नाम नहीं है साक्षरता सूची में। तो आप सभी लोग जो है जल्द से जल्द जो है प्रत्यावेदन कर दीजिए। तो मैंने आप सभी को जो है सूचना दे दी है, आप सभी के लिए जो है आवश्यक सूचना थी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।